तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। मैं स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइज, फाइनली आपके लिए वीडियो आ चुकी है। आपको अपना AUC का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप करना है, मुझे बहुत सारा कमेंट था आप सबका। सर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए कि हम अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कैसे करें। तो गाइज, आपके लिए फाइनली वीडियो आ चुकी है, आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। और हाँ गाइज, इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो और अपलोडेड यहाँ पे की अपने चैनल पे आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग। जिन सब के जिन भी मेरे भाइयों के पास, बहनों के पास वो डॉक्यूमेंट्स अभी हाल ही में करंट में हैं तो अच्छी बात है। जिनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप प्लीज़ वो डॉक्यूमेंट बनवा के ही अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो सकता है। तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिएगा। उस वीडियो का लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए AOCRecruitment.gov.in, ये दोस्तों अपनी AOC की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर दोस्तों आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर रहे हो तो सबसे पहले आपको इस साइट को ओपन करना पड़ेगा। आप PC में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल फ़ोन में, तीनों में से किसी के भी जरिए अपना आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन मिलेगा आपको जब आप साइट को ओपन करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए लॉगिन, क्लिक टू लॉगिन, साइन अप। तो गाइज मैं साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपने दोस्तों कभी पास्ट में फॉर्म फिलअप किया था AOC में, तो आपको अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए, पासवर्ड आपको पता होना चाहिए, कैप्चा कोड आपके सामने दिया गया है, आप यहाँ पे लॉगिन हो सकते हो। लेकिन अगर आप एक न्यू यूजर हो, आप फर्स्ट टाइम AOC में आए हो या फिर जाना चाह रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम AOC को देखा है कि हाँ यहाँ पे भी कोई वैकेंसीज निकलती हैं, तो आपको सबसे पहले क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो मैंने क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे देखिए जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा वेट कीजिए। गाइस यहाँ पे देखिए जो आप देख पा रहे हो, टाइटल, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ईमेल, कंफर्म पासवर्ड, जेंडर, कैप्चा एंड रजिस्टर लॉगिन। तो गाइस इन सब ऑप्शन को आपको फिलअप सबसे पहले कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी अपना भाई यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको सबसे पहले अपना नाम डाल देना, जैसे कि आपका नाम राहुल है तो आप राहुल यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राहुल डाल देता हूँ। मिडिल नेम अगर आपका है तो डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। लास्ट नेम आपको डालना ही पड़ेगा, जो गाइज आप देख पा रहे हो लास्ट नेम के आगे आपको रेड स्टार दिख रहा है, तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डालना पड़ेगा, इसके बिना आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं कुमार। मोबाइल नंबर जो भी आपका है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है आपको वो फिलअप करना है। गाइज ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए। जब भी आपके एडमिट कार्ड आएंगे आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज जरूर आता है। ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्तों आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपकी है वो आपको फिलअप कर लेनी है। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है आप फिलअप कर लेनी है। ईमेल आईडी डाल देनी है आपको, पासवर्ड डाल देना है। और एक डाउट आता है कि सर पासवर्ड हम क्या बनाएं, जिसकी आपका नाम राहुल है तो आपको क्या करना है, राहुल R बड़ा बाकी सब छोटे एंड @123 यू हैव एंटर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपका दोस्तों ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है, राहुल R बड़ा बाकी सब छोटे एंड 123, ये गाइज आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन गया है। यहाँ भी इतना सब करने के बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और अपना रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक कर देना कैप्चा कोड डालने के बाद। ये सब करने के बाद दोस्तों आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज जाएगा। सर किस प्रकार का मैसेज जाता है दिखा दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये मैसेज आएगा आपके पास, मेल वेरिफिकेशन फॉर ऑर्डिनेंस एप्लीकेशन 223811। गाइज आपका OTP है, OTP आपको वहाँ पे डाल देना है। जब आप वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने दो OTP आएंगे, एक आपके नंबर पे जाएगा, एक आपकी ईमेल आईडी पे जाएगा। ईमेल आईडी वाला ही आपके सामने है, मोबाइल वाला भी आपके नंबर पे बजेगा। ईमेल आईडी पे भाई जो OTP आ रहा है वो डाल देना है, फोन वाला डाल देना है आपको वहाँ पे। भाई आपको ओके क्लिक जब आप करोगे वहाँ पे आपका रजिस्टर यहाँ पे हो जाएगा। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज मैंने यहाँ पे अपना ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, तो मैं चलता हूँ आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे। तो गाइज मैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम डाल देते हैं अपनी ईमेल आईडी। तो गाइज मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है अपनी, पासवर्ड हम डाल देते हैं यहाँ पे।
जो पासवर्ड आपका है आप वही डालिएगा, ध्यान दीजिएगा पासवर्ड गलत ना डालें, अदरवाइज आपका टाइम खराब हो सकता है, ठीक है। अपने टाइम का बचत करें। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड जो मैंने यहाँ पे अपना बनाया था मैंने वो डाल दिया है, पासवर्ड कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी आपको फिर भी डाउट बचे आप कमेंट कीजिएगा, कैप्चा को डाल देना है, लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो गाइस देखिए जो दोस्त अपनी साइट है ओपन हो चुकी है, रोहित कुमार के नाम से मैंने ये फॉर्म यहाँ पे जो भाई मेरा रजिस्ट्रेशन था मैंने किया था रोहित कुमार के नाम से, जो आप देख पा रहे हो वेलकम रोहित कुमार, ठीक है। एंड गाइज देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन फॉर्म, इन सब पे गाइज आपको टिक करना है। ऑल फिलिंग एंट्री विल बी, मतलब दोस्त बता रहा है कि आपको ये सब इसमें आपके पास होना चाहिए। तो गाइज इन सब के पे आपको क्लिक करना कि हमारे पास हर एक डॉक्यूमेंट्स है, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो हम इस पे सब पे क्लिक कर लेते हैं। एंड आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव रीड अंडरस्टूड द अबो मेंशन इंस्ट्रक्शन, कि मैंने ये सबको पढ़ लिया है, ठीक है। तो एग्री एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर देता हूँ अभी। तो गाइज देखिए एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है हमने। दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले सिलेक्ट पोस्ट कैटेगरीज फॉर एप्लीकेशन, यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है ये, आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना है। पोस्ट अप्लाइड पे मेडिकल असिस्टेंट है ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अपने फर्स्ट टाइम में जो वहाँ पे डाला था वो आ गया है यहाँ पे। जो कास्ट आपकी, ठीक है, वो फिलअप कर लेनी है आपको। तो मैं यहाँ पे एसटी डाल देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे एसटी डाल दिया है, ठीक है। एंड कैटेगरीज गाइज यहाँ पे जो भी आपकी है आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। एंड ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो हम इंडिया से हैं तो इंडिया हम डाल दिया है यहाँ पे। तो गाइज आगे चलते हैं, फिर देखिए आगे आई एग्री, मैं इससे सहमत हूँ, जो मैंने फिलअप किया है उसको मैं अच्छे से जानता हूँ कि हाँ मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है। तो गाइज मेरे पास 10 प्लस में मेरे पास डिग्री है, तो मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट में रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों जो आपके पास है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। डिग्री दोस्तों कैसे होता है, जब आप प्लस टू कर जाते हो फिर आपके पास डिग्री होता है, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पे बोल रहा है 10 प्लस में डिप्लोमा इंजीनियरिंग का होना चाहिए, 10 प्लस में डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का होना चाहिए। गाइस तीनों में से कोई भी आपके पास है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, जो मैं आपको ऑलरेडी अपने वीडियोज में बता चुका हूँ बार बार कि अगर आपके पास कोई डिग्री है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई डिप्लोमा है सिविल इंजीनियर से जब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है, बार बार बताने की बात नहीं है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़ गए हो एक्सपर्ट नॉलेज से, आपको एओसी के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट मैं बचने नहीं दूंगा, और मैंने ऑलरेडी आप सबको सब कुछ बता रखा है, पूरा आपके सामने चिट्ठा खोल रखा है एओसी का कि एओसी आपसे क्या क्या मांगता है, क्या क्वालिफिकेशन मांगता है आपसे। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो एक लाइक तो बनता है, तो क्या कर रहे हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो मेरे भाई बंधु अब की बार एओसी में भर्ती होना चाहते हैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन हमारे सामने खुल के अभी आ जाएगा, एप्लीकेशन जनरेटेड सक्सेसफुली प्लीज फिल डिटेल्स सबमिट एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पे अपना नाम आ चुका है, लास्ट नेम आ चुका है, फादर नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। तो फादर नेम गाइज कुछ भी आप डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फादर नेम डाल दिया है। मदर नेम दोस्तों आप डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको डाल देना है फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, रिलीजन आपको डाल देना, आप हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो अपने अनुसार डालिएगा, मेरे अनुसार मत डालिएगा, जो आपकी डिटेल्स हैं वही फिलअप कीजिएगा, ठीक है। एंड फोन नंबर डाल देना है आपको, डालना चाहो तो अदरवाइज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल हो मैरिड हो, ठीक है, तलाकशुदा यहाँ पे नहीं है, सिंगल मैरिड है बस, ठीक है। तो जो तलाकशुदा है वो यहाँ पे कुछ ना डालें। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कोई आपको डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पे अपने साथ डाल देता हूँ, ठीक है। स्टेट ओरिजिन, ठीक है, आप दोस्तों कहाँ से बिलोंग करते हो, हरियाणा से, गुजरात से, गोवा से, दिल्ली से, जो आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे हरियाणा कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने हरियाणा कर दिया है, एक सेकेंड वेट कीजिए, मैं थोड़ा लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूँ, अदरवाइज बंद हो जाएगा तो हमारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी यहाँ पे। तो गाइस देखिए मैंने अभी लैपटॉप को चार्जिंग लगा दिया है। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे हरियाणा फिलअप कर दिया है अभी, ठीक है। फिर आपको नीचे आना है और हाउस नंबर डाल देना है आपको, विलेज का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ
भादरगढ़ डालता हूँ एंड स्टेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, हरियाणा हो गई ठीक है। तो गुड़गांव यहाँ पे दोस्तों आ चुका है ठीक है। एंड पीओ को डाल देना है जो भी पोस्ट ऑफिस है आपका, श्री भादरगढ़ ही होगा शायद जहाँ तक मुझे पता है, मैं वैसे फॉर्म भर के आपको दिखा रहा हूँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो पिन कोड है आपका वो डाल देना है यहाँ पे आपको ठीक है। अगर आपका ये एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज कर सकते हो। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको कहाँ सिलेक्ट कर लेनी है, जो ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्टेड है ठीक है, कास्ट जो आपकी कास्ट है ठीक है, जो भी एससी में कास्ट है आपकी, तो मैंने यहाँ पे डाल दी है। एंड प्रीव्यू व्यू ऑफ एप्लीकेशन ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पे कर देते हैं इसको सेव ठीक है। सेव करके फिर हमें करना है प्रीव्यू, प्रिंट व्यू ऑफ एप्लीकेशन ठीक है। तो गाइस देखिए जो अपना फॉर्म है अपने सामने यहाँ पे आ चुका है ठीक है, पूरी तरह से आ चुका है। एंड आपको दोस्तों अभी थोड़ा बैक करना है इसको, अभी फॉर्म आपका पूरा सबमिट नहीं हुआ है, ये पूरा भरा नहीं गया है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको आना है एजुकेशन एडिशनल डिटेल्स में। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। 10th का भाई आपका जो रोल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो गाइज आपने डालने के बाद फिर आप स्कूल का नाम डालिएगा, जो भी आपका स्कूल का नाम है यार आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। देखिए दोस्तों मैं आपको फॉर्म ओनली फॉर्मेलिटी के लिए भर के दिखा रहा हूँ बस, कि हाँ आपको मालूम पड़े कि फॉर्म आपको फिलअप कैसे करना है, अदरवाइज जो आपकी डिटेल्स हैं आप वही फिलअप कीजिएगा। स्टेट कौन सी है आपकी फिलअप कीजिएगा आप ठीक है। तो मैं यहाँ पे हरियाणा कर देता हूँ जैसे मैंने पीछे किया है, तो दिल्ली कर देते हैं ठीक है। पासिंग ईयर कर देते हैं 92001 कर देते हैं ठीक है। टोटल मार्क्स कर देते हैं आपके 500, कितने नंबर आए आपको कर देते हैं ठीक है। तो आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे ग्रेजुएशन की, जो आपने डिग्री कर रखी है उसको रोल नंबर डाल दीजिएगा, जो अभी आपका रोल नंबर है आप डाल दीजिएगा, आपकी जो यूनिवर्सिटी है डाल दीजिएगा उसका नाम ठीक है। स्टेट कौन सी है आपकी वो डाल दीजिएगा, एंड बोर्ड आपका कौन सा है, कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी है आप डाल दीजिएगा, जहाँ से आपने कर रखा है वो डालिएगा, आपने कौन से साल में पास किया था वो सब डाल दीजिएगा यहाँ पे। और आपके जो टोटल मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आए हैं आपके, 800 हैं जो भी हैं आप डालिएगा, कितने में से आए हैं। आई थिंक दोस्तों यहाँ पे टोटल मार्क्स यहाँ पे आएंगे, इसके बाद डाल दिया है मैंने। और यहाँ पे ऑब्डेंट मार्क मतलब कितने आपको आए हैं, तो मैंने 500 किया है, मतलब 41.67 यहाँ पे परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है ठीक है। ये सब करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे मिसलेनियस से क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा में कुछ क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मिसलेनियस एक्सपीरियंस, कुछ आपके पास एक्सपीरियंस है, टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी है, बहुत मस्त है टाइपिंग स्पीड, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, इस पर डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो आप, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट डाल सकते हो यहाँ पे, सेंटर आप जो भी आपने किया जहाँ से भी किया आप डाल सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे हार्ट ऑन कर देता हूँ, गवर्नमेंट है या नहीं है, प्राइवेट है आप प्राइवेट डाल सकते हो, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो ठीक है। ये सब डिटेल्स एक्स्ट्रा में है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो गाइज देखिए हमारा डाटा सेव हो चुका है, आगे हम चलते हैं गाइज यहाँ पे अदर डिटेल्स में। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, जो आपका SCS सर्टिफिकेट होता है, जो मैंने वीडियो में बताया है आपको, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट SCST के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक्ट लिखे होते हैं, आपको उसका नंबर डालना है। तो गाइस यहाँ पे हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं। दोस्तों इशू कब हुआ, मतलब आपने उसके ऊपर साइन कब करवाए थे तहसीलदार के, आपको वो यहाँ पे डेट डाल देनी है। तो गाइज मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ वो वाली। आज देखिए मैं भाई इस डेट को अपने अनुसार डाल रहा हूँ, आप अपने डिटेल्स को अच्छे से फिलअप कीजिएगा। अथॉरिटी किसकी ने दी थी, तहसीलदार ने दी थी ठीक है। तो उनका नाम आ जाएगा यहाँ पे। स्टेट कौन सी है, हरियाणा है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट दोस्तों हमारी गुड़गांव है। लाइफ टाइम वैलिड, देखिए दोस्तों बहुत सारा डाउट आएगा आप सबका, अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है कि
जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड है, फिर कब तक है इसका हम क्या करें? देखिए दोस्तों, जहाँ तक मुझे पता है आपके सभी जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो लाइफ टाइम वैलिड होते हैं, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि कुछ की टाइम की मतलब कुछ अवधि होती है कि उस टाइम तक वो सर्टिफिकेट काम करेगा। तो आप अपने सर्टिफिकेट नीचे चेक कीजिए कि उस पर डेट लिखी है या नहीं लिखी है। अगर लिखी है तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा, अगर नहीं लिखी है, लाइफ टाइम वैलिड है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो करके आप वैलिड अप टू डेट उसमें डाल सकते हो। तो मेरा लाइफ टाइम वैलिड है तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, मेरे सामने जो आगे वाला ऑप्शन था वो हट गया है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स देखिए, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर दोस्तों आपने एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करवा रखा है अपना तो यस कीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ एंड गाइज यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा डाटा सेव हो चुका है। आगे फ्रेंड्स देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आना है आपको। गाइस देखिए, यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर, आईडी कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, टेंथ यहाँ पे सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको फिलअप करना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट में हम फोटो डाल देते हैं यहाँ पे। तो गाइस फोटो के लिए सबसे पहले हम डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। तो गाइस यहाँ फोटो हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फोटो यहाँ पे डाल दिया है, डाटा सेव हो चुका है। एंड सेकेंड में सबको डालना सिग्नेचर। गाइस सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर आप करते हो वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो अभी आप यहाँ पे डाल रहे हैं सब आपका भाई स्कैनिंग किया हुआ हो तो ही बेटर है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप स्कैन करके डॉक्यूमेंट डाल देते हो तो आपका 110% एडमिट कार्ड आएगा। फ्रेंड्स आगे देखिए, आधार नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आप डाल सकते हो यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखिए, एंट्री डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का नंबर आपको डालना है। तो भाई जो भी आपका डॉक्यूमेंट का नंबर है आप डाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और जो भी आपका आधार कार्ड है, ठीक है, उसका आप यहाँ पे डाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल देता हूँ, देखिए जो ऐड हो चुका है ऑटोमेटिक। एंड कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल देना है। तो गाइस यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट हम डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आराम से बारीकी बारीकी से यहाँ पे डाल देने हैं सभी के सभी। ये कोई कुछ मतलब ये नहीं है कि आप कुछ डाल रहे हो आपको पता ही नहीं आप डाल क्या रहे हो, ऐसा काम ना कीजिएगा प्लीज, ठीक है। जो आप डालते हो अच्छे ढंग से डालिएगा, सोच समझ के डालिएगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, हवा हवा में तीर मत मारिएगा प्लीज। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे टेंथ सर्टिफिकेट आपका जो रोल नंबर है टेंथ का आपको वो डाल देना, जो भी आपका नंबर है। मैं तो यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, डाल रहा हूँ अभी, लेकिन आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, जो आपका रोल नंबर हो, ठीक है। 50 KB तक सब पे यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, और जो फोटो है आपका 25 KB तक आप अपलोड कर सकते हो। फोटो, सिग्नेचर, आईडी कार्ड 25 KB तक है, कास्ट सर्टिफिकेट, टेंथ मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट 50 KB तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टेंथ की मार्कशीट को अपलोड कर देता हूँ अभी। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आई थिंक 50 KB तक नहीं है इसलिए अपलोड नहीं हो रहा है। तो 50 KB तक होनी चाहिए साइज, ठीक है। तो 50 KB की साइज हम यहाँ पे ढूंढ लेते हैं एक बार। तो गाइस देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ 50 KB वाली फाइल, और जो कि 1 मिनट में ही हमारी अपलोड हो जाएगी। देखिए अपलोड हो गई ना, ऐसे ही करना है आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना बस कि हाँ ऐसे करना है। हमें सर ने बताया, एक्सपर्ट नॉलेज वाले सर ने बताया कि फॉर्म को ऐसे भरना है, तो धमाका कर देना बस, ठीक है। ऐसे फॉर्म फिलअप करना है आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आराम से फॉर्म फिलअप करना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत आई मैं बैठा हूँ, ठीक है। गाइज यहाँ पे भी ये फाइल कुछ ज़्यादा बड़ी है, तो मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करके दिखा देता हूँ आपको। तो गाइज देखिए, जो कि प्लस टू की मार्कशीट है, जो कि बहुत ज़्यादा MB की है, यहाँ पे 42 की ये आई थिंक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। डाटा सेव हो चुका है इसमें भी ये। तो गाइज देखिए, ये सब करने के बाद आपको CO पे क्लिक कर देना है। तो CO पे मैंने क्लिक कर दिया है, मेरा डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। एंड डिक्लेरेशन पे आना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखिएगा, एग्जाम सिटी चॉइस सिलेक्ट आल। आप दोस्तों कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो, आगरा, प्रयागराज, अवधि, बनार, जो कि आपका जोधपुर में है, बठिंडा पंजाब में है, जबलपुर मध्य प्रदेश में है, कानपुर आपका UP में है, तो आपको कोई भी पास सेंटर यहाँ पे सिलेक्टेड कर लेना है, ठीक है। सेंटर ऑलरेडी सिलेक्टेड, अच्छा, मतलब देखिए दोस्तों, आपके जो सेंटर्स हैं अलग अलग होना चाहिए, आप कहीं एक ही सेंटर यहाँ पे मतलब डाल दो ऐसा नहीं चलेगा, आपको अलग अलग डालने हैं। पोस्टिंग रीजन, आप दोस्तों पोस्टिंग आपने कहाँ पे चाहते हो, कौन से रीजन में चाहते हो,
मतलब नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट रीजन जाते हो, मतलब जो भी आपका रीजन आपको पसंद है, जैसे कि यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, तो आप अपने साथ डाल दीजिएगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो भी डालना है आपको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, लेकिन बिल्कुल सेम मत डालिएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे दोस्तों सेम भी आई थिंक हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, अभी सेम नहीं डाल सकते हम, अलग नहीं डालने हैं यार, मुझे लगा एक साथ डाल सकते हैं, ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे सेंट्रल ईस्ट डल गया है, साउथ वेस्ट भी डल गया है, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ पे सब अलग अलग मैंने डाल दिया है आपको। देखिए क्या है इसमें कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको दे रहे हो, मतलब ईस्ट को दे रहे हो, वेस्ट को देख रहे हो, कौन से रीजन को दे रहे हो, ये यहाँ पे मेंशन आपने कर दिया है। जो आप जब दोस्तों आप इसमें भर्ती हो जाओगे, आपकी पोस्टिंग भी आपके यहाँ पे रेफरेंस के हिसाब से देंगे। जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस डाला है कि हाँ मुझे पोस्टिंग फर्स्ट में ईस्ट रीजन में चाहिए, तो आपको ईस्ट में भेजेंगे वो। अगर आपने यहाँ पे वेस्ट किया है तो वेस्ट में डाल सकते हैं। आपके दोस्तों फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रीजन में से किसी ना किसी में पोस्टिंग आपको देंगे वो, जहाँ तक यहाँ पे दिखाया जा रहा है अभी। तो गाइज ये सब करने के बाद आपको फिर डालना है प्लेस। गाइज यहाँ पे देखिए दोनों पे आपको टिक कर लेना है, प्लेस गाइज आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ भादरगढ़, डेट आपकी अपने आप सामने आ जाएगी। आपको कैप्चा कोड डाल देना है ये वाला, गाइज कैप्चा कोड मैंने डाल दिया है अभी। एंड प्रीव्यू एंड सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पे बता रहा है कि प्लीज़ इंटर रिकॉग्नाइज बाय मिसलेनियस एक्सपीरियंस, प्लीज़ इंटर वैलिड मंथ। अच्छा एक्सपीरियंस गाइज मैंने यहाँ पे आई थिंक थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो हम इसको हटा देते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या है कि अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पे वैसे डाला था, मतलब कुछ पॉइंट डाले, तो इन्होंने बोला कि आप डाल रहे हो तो अच्छे से डालिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया है, तो मैं अब सेव कर देता हूँ एक बार। तो देखिए डाटा हमारा सेव हो चुका है अभी, एंड यहाँ पे भी मैंने सेव कर दिया है इसको, ठीक है। डिक्लेरेशन हमारा आई थिंक हो चुका है अभी, ठीक है। मैंने सब कुछ डाल दिया है यहाँ पे, कैप्चा कोड अब दोबारा डाल देते हैं। आई थिंक अब एरर नहीं आएगा जहाँ तक मुझे पता है। देखिए दोस्तों एरर आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन आपको एरर नहीं आने देना है, आपको एरर को ख़त्म कर देना है। तो मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस देखिए जो अपना फॉर्म है वो यहाँ पे फिलअप हो चुका है। आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉर्म फिलअप करना है। मैंने आपको प्रॉपर तरीके से जानकारी दे दी है, आपको मदर नेम, आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, ठीक है, आपको सिटी कैसे डालना है, अपने मार्क्स कैसे डालने हैं, रोल नंबर कहाँ डालना है, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम कहाँ डालना है, ठीक है, कौन सी ईयर में पास की थी, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। टोटल मार्क्स डालने हैं आपको, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा दी है। और सेंटर्स आपके कहाँ कहाँ आएंगे मैंने उनके बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। पोस्टिंग आपकी आप कहाँ लेना चाहते हो उनके बारे में प्रेफरेंस में दिया गया है। ये सब बातें इंपॉर्टेंट्स बातें हैं जो आपको कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है दोस्तों। फिर भी कुछ डाउट बचे आपका, आप मुझे वीडियो नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप दोस्तों अबकी बार AOC में भर्ती होना चाहते हो, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं उम्मीद करूंगा आपको कुछ भी आपको डाउट नहीं आएगा, जिसको भी डाउट आएगा वो मुझे पार्टी दे